अस्सलाम वालेकुम क्लास, थर्ड लेक्चर आपका स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद है कि आपने सेकंड लेक्चर प्रिपेयर किया होगा और उसे देखा होगा। अब तक हमारा सारा जो लेक्चर चल रहे हैं वो तकरीबन बेसिक्स ही हैं और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं आई। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं ऐसे ऐसे चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होती चली जाएंगी। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर क्लास, होप फुली कि आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, व्हाट इज सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप अपना जो डेटा है या अपने रोज़मर्रा की चीज़ें या कैलकुलेशंस या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो, आप उसे लिख लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर हमें अपना डेटा ऑर्गेनाइज करना हो या हमें अपने डेटा के ऊपर कोई परफॉर्मेंस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, तो हम सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर में करते हैं। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं इन टैबुलेटर फॉर्म। अब आपके जहन में आ रहा होगा टैबुलेटर किसे कहते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम इसे सेव करते हैं। जो स्पेशली जो लोग इस पे ज़्यादा काम करते हैं वो अकाउंटिंग वाले लोग इसके ऊपर काम करते हैं। अकाउंट्स का जितना भी डाटा है उसके ऊपर वो काम करते हैं। सेपरेट शीट के बारे में आगे हम देखते हैं, हाउ सेपरेट शीट ऑर्गेनाइज। सेपरेट शीट ऑर्गेनाइज मतलब कि ये किस तरह इसमें डाटा ऑर्गेनाइज होता है। रोज एंड कॉलम्स में मैंने जैसे पहले बताया, कॉलम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं लेटर से और रोज जो आइडेंटिफाई की जाती हैं वो नंबर से। अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। और जिस जगह हम अपना डाटा लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, उसको हम एक सेल कहते हैं। और जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसे हम एक्टिव सेल भी कहते हैं। हमारे लिए बहुत मुफीद है कि हम अगर डेली लाइफ में सेपरेट शीट को और दूसरा आप तो एक्सेल आ गया उसको अंदर हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और बहुत सारी जो डेली यूजेज की चीज़ें हम उसमें अपने मार्क कर सकते हैं अकाउंट्स के लिहाज से। आगे आता है, व्हाट इज चार्टिंग। यहाँ पे टाइप गलत हुआ है, हु इज चार्टिंग, व्हाट इज चार्टिंग। चार्टिंग क्या है, अलाउ यू टू डिस्प्ले सेपरेट शीट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। जो हमारा डाटा सेपरेट शीट में सेव हुआ होता है, आपने कभी कभार देखे होंगे, ग्राफ देखे होंगे। अब वो ग्राफ किन की बेस के ऊपर बन रहे होते हैं, जो हमने कंप्यूटर को कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा दिया होता है उनकी बेसिस के ऊपर ग्राफ बनते हैं। आपने क्रिकेट का मैच देख रहे होंगे तो उसके ऊपर फौरन से ग्राफ आ जाते हैं। आपने स्टॉक एक्सचेंज देख रहे होंगे उसके अंदर ग्राफ आ रहे होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, उनके पर ईयर आफ्टर 5 ईयर के उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया, कितना लॉस किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो उनका चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने कितना गेन किया, कितना लॉस किया। तो हम चार्टिंग में ये हमारे लिए आसान होता है कि सेपरेट शीट के सारे डाटा को हम रिव्यू करें, उसे हम ग्राफिकल फॉर्म में जब देखते हैं तो हमें फौरन से पता चल जाता है। फिर आगे आ जाता है हमारा, व्हाट इज डाटा बेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इस तरह बताऊं,
कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, आपने बहुत सारे फॉर्म फिलिंग किए होंगे ऑनलाइन। आप उसमें देखिएगा कभी क्या फॉर्म फिल करते हैं, नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद आप अपना जीमेल वगैरह दे दी, अपनी क्वालिफिकेशन दे दी, और उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं। और आपके सबमिट, उस क्लिक के ऊपर सबमिट करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है कि आपने एडमिशन हो गया आपका, या आप इसमें लॉग इन हो गए। तो ये आपका डेटा एकदम से कहाँ जाता है, जो टेक्स्ट में जो आपने फॉर्म फिल किया था वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आपका डेटा सबमिट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन की डेटाबेस में जाकर वो डेटा स्टोर्ड हो जाता है उन्हीं नेम से, जो आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जीमेल, आपका एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उधर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स सेव हो जाते हैं आपके। आपने क्लिक किया और आपका सारे के सारे डेटा स्टोर्ड हो गया। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें अलाउ करता है यू टू क्रिएट एंड मैनेज योर डेटा। आप नादरा जाते हैं, आप सिर्फ अपना CNIC देते हैं और वो आपकी पूरी फैमिली की डिटेल, आपके पूरे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उनकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आपका डेटा स्टोर्ड हुआ होता है, उसमें वो ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सॉर्ट मतलब वो A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, वो अपनी कैटेगरीज में सॉर्ट कर सकते हैं कि मुल्तान वाले कितने हैं, आउट ऑफ जो आउट ऑफ मुल्तान वाले जो हैं वो कितने हैं, जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं वो कितने हैं, मतलब वो नादरा पूरे का पूरा डाटा स्टोर करता है और वो उसको सॉर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। और उसके बाद आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप में से किसी का बना हो तो आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो एक्सपायरी चेक करनी है, तो आप ओनली जाते हैं एप्लीकेशन पे और जाके अपना सिर्फ अभी CNIC बेशक लिख दें या फिर अपना लाइसेंस नंबर लिख दें, तो आप उसमें से उनकी डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है और आप उसे रिटर्व्यू भी कर सकते हैं डाटा को, मतलब देख सकते हैं कि आपकी एक्सपायरी कब है लाइसेंस की। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डेटाबेस, अब डेटाबेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात की गई। डेटाबेस में जिस तरह सेपरेट शीट के बारे में मैं बात बता रहा था, इसी तरह क्या होता है, डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में रिकॉर्ड सेव होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा जो है वो आपका स्टोर्ड होता है। उदय इसने यही नीचे पॉइंट दिया हुआ है, अ रिकॉर्ड इज अ रो इन अ टेबल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन पर्सन, प्रोडक्ट और अ इवेंट। और फिर उसके बाद फील्ड के बारे में क्या कहा, रिकॉर्ड जो हैं वो रोज में होती हैं और फील्ड जो हैं वो कॉलम्स में होती हैं। अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड, क्योंकि वो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। फिर उसके बाद आगे उसने कहा कि हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। अब हमें अपना कोई रिकॉर्ड चाहिए, हमें अपना कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो हम डेटाबेस से कैसे अपना रिकॉर्ड फेच करेंगे। डेटाबेस क्यों बनाएगी, इस वजह से कि पहले हमारे डेटा जो है वो रजिस्टर्स पे, रिकॉर्ड पे सेव होता था और क्लर्क्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह में रजिस्टर्स पर मेंटेन होता था। और अगर हमें कहीं, जैसे आप डिग्री कर लेंगे तो आपका डाटा कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा, और वो कहीं क्लर्क्स ने किसी अलमारी में जाके किसी में जगह पर सेशन वाइज आपका स्टोर किया होगा। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी रिकॉर्ड गुम भी हो जाता था, काफ़ी रिकॉर्ड मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन डेटाबेस की वजह से क्या आसानियां हुई कि हमारा डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है और जस्ट वन क्लिक के ऊपर हमारे सारे का सारा डेटा हम
फेच कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती और हम प्रिंट करके दे भी सकते हैं। रन क्यूरीज टू रिट्रीव्यू डेटा, रन करते हैं क्यूरीज को हम, के अगर मैंने रोल नंबर 5 का डेटा निकालना है तो मैं फौरन से अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाऊंगा, मैं फार्मेसी टेक्नीशियन की क्लास, सेकेंड ईयर क्लास में रोल नंबर 5 एक ही होगा, मैं उसका एक क्यूरी मतलब इस तरह दूंगा कि रोल नंबर 5 किस क्लास में है, फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर क्लास में है, उसका सारे के सारा फी डिटेल जो है वो मुझे निकाल दें। और उसमें हम क्या करते हैं, कैन बी सेंड एज अ रिपोर्ट टू द प्रिंटर, और इवन कि हम उसकी पूरी की पूरी कॉपी भी प्रिंट के थ्रू निकाल सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, व्हाट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, आप अपनी प्रेजेंटेशंस किस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, पावर पॉइंट में बनाते होंगे, उसमें क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, उसमें हम अपने जो भी हमें टॉपिक मिला होता है स्टार्ट में वो लिखते हैं, उसके बाद हम सारे उसके पॉइंट्स लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंक्लूजन, और अगर कोई इमेज वगैरह भी ऐड करनी हो तो हम उसमें कर सकते हैं, और उसे हम प्रोजेक्टर पे एज ए स्लाइड शो भी चला सकते हैं। यूज्ड टू क्रिएट विजुअल एड्स फॉर प्रेजेंटेशन, विजुअल मीन्स नज़र आने वाली एड्स जो हमें नज़र आ रही होती हैं, अ प्रेजेंटेशन इज सम टाइम्स कॉल्ड अ स्लाइड शो, उसे हम स्लाइड शो भी कह सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, व्हाट इज नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिस तरह हम अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, छोटी सी कॉपी रखी होती है, बुक रखी होती है, पॉकेट बुक रखी होती है, नोटबुक रखी होती है, उसमें हम अपने सारे जो है वो डेली इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें टाइप कर रहे हो, मतलब लिख रहे होते हैं। कहते हैं इनेबल यूज़र टू एंटर टाइप टेक्स्ट हैंड राइटिंग कमेंट्स ड्राइंग और स्केचेस एनीवेयर ऑन द पेज। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें यूज़र को ये खुली छूट दी जाती है, ओपन एंड दिया जाता है कि वो उसमें टाइप भी कर ले, हैंड राइटिंग लिखना चाहे तो हैंड रिटन भी लिख सकता है, कमेंट्स ड्राइंग करना चाहे तो ड्राइंग भी कर सकता है, स्केच बनाना चाहे तो स्केच भी बना सकता है ऑन द पेज। नोट आर ऑर्गेनाइज लाइक ए नोटबुक, कि उसमें नोट्स जिस तरह वो हमारे इस तरह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिस तरह हम अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर रहे होते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर सूट, सॉफ्टवेयर सूट क्या है, आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि आप एक सॉफ्टवेयर करते हैं और उसके साथ हमें बंच, मतलब एक सिंगल पैकेज में हमें 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं एक ही चीज़ में, मतलब हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो हमें ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वो हमें फ्री में मिलते हैं एक चीज़ इंस्टॉल करने से। फिर इसी तरह अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ हमें वो ऑप्शन दे रहा होता है कि आप एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लें, तो मतलब सॉफ्टवेयर सूट होता है एक चीज़ के अंदर 2-3 चीज़ें वो हमें पैकेट करके दे रहा होता है। उसके एडवांटेजेस भी हैं कि हमें अलग से कोई चीज़ जो है वो डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, उसी फाइल के अंदर उसी सॉफ्टवेयर में हमें एक चीज़ में 2 चीज़ें मिल जाती हैं। लो कॉस्ट होता है और ईजी ऑफ यूज़ होता है, आसानी से हम यूज़ भी कर सकते हैं उसमें, कोई हमें दिक्कत नहीं होती। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जब भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसकी मैनेजमेंट करना बहुत लाजमी होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट्स देनी होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू प्लान
हमें एक प्लान सेट करके देते हैं, स्केड्यूल देते हैं, एक ट्रैक सेट करके देते हैं एंड एनालाइज द इवेंट। उसमें जो जो इवेंट अकर्स हो रहे हैं, रिसोर्सेज जितने हमें चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, पूरा कंप्लीट एक हमें ओवरव्यू और कॉस्ट उसकी पता चल जाती है। ये इसी तरह ही है जिस तरह हम अपना घर बनाना चाहें तो हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं और उससे उसका एस्टिमेट लेते हैं, उससे प्लान लेते हैं, उसका टाइम लेते हैं, उसका सीक्वेंस पता करते हैं, और उसमें कोई भी इवेंट्स भी अकर हो सकते हैं, रिसोर्सेज क्या-क्या चाहिए घर बनाने के लिए और उसकी प्रॉपर टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी, विद मटेरियल विद लेबर कॉस्ट कितनी होगी। यही इसी तरह इन टर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इसी तरह काम करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं हमारे पास, हम रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन्स करते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने रिकॉर्ड्स जो हैं, पहले वो पेपर वर्क करते थे, अभी भी है पेपर वर्क, ऐसा नहीं है कि पेपर वर्क नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज हो गया सारा, डिजिटल हो गया सारा काम। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी बैंक्स के थ्रू होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर आगे आ जाता है व्हाट इज पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। एडोब फोटोशॉप है हमारे पास, कोरल ड्रॉ है, एलिस्ट्रेटर है, यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई ग्राफिक कल इमेज, समटाइम्स कॉल्ड इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, उसे हम इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं कि हम जैसा चाहें हम उसे एडिट कर सकते हैं। व्हाट इज वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, नाम से पता चल रहा है वीडियो और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, अलाउ यू टू मॉडिफाई अ सेगमेंट ऑफ अ वीडियो कॉल्ड अ क्लिप। क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी वीडियो है, एक बहुत बड़ी वीडियो है और उसे हम क्लिप्स में, मिनी क्लिप्स में हम उसे एडिट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी वीडियो को। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू मॉडिफाई ऑडियो क्लिप, हम एक ऑडियो को बहुत सारी ऑडियो के साथ मर्ज करके एक क्लिप ऑफ साउंड बना सकते हैं, मिनी क्लिप, उसे वीडियो के अंदर भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस के साथ ऐड कर सकते हैं ऑडियो को। हमारे पास डिफरेंट वीडियो एडिटिंग और डिफरेंट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनके थ्रू आप यूज करके अपनी डिजायर्ड चीजों को चेंज कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने शुरू किया कहाँ से, हमने सेपरेट शीट से शुरू किया जिसमें हमने देखा कि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशंस कर सकते हैं जब भी हमें कोई डाटा चेंज करना हो, और डाटा स्टोर कैसे होता है इसमें रिकॉर्ड्स में, कॉलम्स में और रोज में होता है, और जिस सेल में काम हो रहा उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, चार्टिंग क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट शीट डाटा उसे हम चार्टिंग कहते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ डेटाबेस क्या हैं, टेबल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड सेव होता है और रिकॉर्ड जो है वो रोज में होता है और फील्ड्स जो है वो कॉलम्स में होती हैं। फिर एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, रन क्यूरी टू रिट्रीव्यू डाटा, क्यूरीज देकर हम अपना सारा डाटा फेच कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं हम डाटा। प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पावर पॉइंट और दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फिर नोट टेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो हैं यूज होते हैं, वो किस लिए होते हैं, एडिट टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, ड्राइंग, स्केचेस, सारी चीज़ें हम इसमें नोट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सूट के बारे में बात की है, जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में, लो कॉस्ट होती है, इजी ऑफ यूज होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात की हमने, फिर उसके बाद व्हाट इज पेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर और व्हाट इज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। होपफुली आप सबको ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ आएंगी, और इसको प्रिपेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, फी अमान।